मोदी सरकार के कामकाज को 1 साल हो गया और इस 1 साल के दौरान जिन भी इनिशिएटिव्स के अनाउंसमेंट हुई है उसको लेकर अब सरकार तेजी से आगे बढ़ने का प्लान कर रही है। और इसी कड़ी में 100 स्मार्ट सिटीज जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी सरकार का, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, ये कहना है वेंकैया नायडू का। उन्होंने कहा है कि जो भी तैयारियां होनी है वो पूरी हो चुकी हैं और किसी भी दिन इस योजना को लॉन्च किया जा सकता है, यानी देश भर में 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। ऑलरेडी कैबिनेट की ओर से इसको अप्रूवल पहले ही मिल चुका है, 29 अप्रैल को कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। और जो शहर चुने गए हैं 100 स्मार्ट सिटीज के तहत, उसे उन शहरों को जो केंद्र सरकार है वो अगले 5 साल तक मदद करेगी और हर साल 100 करोड़ की मदद देगी केंद्र सरकार। महत्वपूर्ण खबर इसलिए है ये क्योंकि 100 स्मार्ट सिटीज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सेवरल अदर इंडस्ट्रीज के लिए जो डिमांड है उसको बूस्ट करेगा, फिर चाहे वो सीमेंट हो, फिर चाहे वो पेंट कंपनीज हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, सिरेमिक कंपनीज ही क्यों ना हो। गौरांग, इस खबर के मद्देनजर या फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म में जाहिर है जिन भी सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया वो बेनिफिशियरी रहेंगे, कुछ सेक्टर्स जो आप चेस करना चाहेंगे? आई थिंक NBCC को भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए दीपाली, क्योंकि सरकारी कंपनी है ये और काफ़ी लंबे समय से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कंसोलिडेशन जोन में गया है। जो मैनेजमेंट के बयान भी हमने सुने थे, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी दुरुस्त है और ये जो 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात चल रही है, अगर ये लॉन्च होगा, ऑफकोर्स इसके लिए समय लगेगा, जैसे आप सही जिक्र कर रहे थे दीपाली, कम से कम 2-3 साल का नज़रिया आपको रखना चाहिए। तो एक तो NBCC है, पेंट इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से जो कंपनी के मार्केट शेयर सबसे बेहतर है, स्थानीय मार्केट विदेशी मार्केट में है, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रियल इस्टेट रिलेटेड कंपनीज पर ध्यान देना चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि HDFC, LIC हाउसिंग, लेकिन ये सब बाद में आएंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी है, सीमेंट कंपनियाँ जो आपने जिक्र किया वहाँ पर ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा, JK लक्ष्मी, मंगलम सीमेंट, हाइडलबर्ग, ये कुछ मेरे ख्याल से क्षेत्र हैं और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन समय लगेगा। जी।